हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग तो मस्त होंगे। तो आप सबको स्वागत है वॉच एंड लर्न की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग की जो गैलेक्सी S10 प्लस है, जो नया स्मार्टफोन लॉन्च कराया है सैमसंग ने रिसेंटली। इस ये फ़ोन की जो मैं क्विक रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि हैंड्स ऑन होने वाला है। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि चलिए देखते हैं क्या है इसका स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसका कैमरा, कैसा है इसका कैमरा, कैसा है इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं वीडियो को जो स्टार्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हो और इस बंदे को इस पहले बार सुन रहे हो और चैनल को अभी तक क्या नहीं सब्सक्राइब तो करके यार, अभी तक भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और नए नए वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन जो घंटा है ना उसको इधर दबाना पड़ेगा, तो तभी मेरा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और ये बात को रखता हूँ साइड में, क्योंकि मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है आप करेंगे सब्सक्राइब एंड घंटे के ऑप्शन को भी दबाएंगे। तो यहाँ पर जो है बात करता हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की। तो भाई यहाँ पर जो है जो फुटेज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये फुटेज मैं लिया था सैमसंग की ऑफलाइन स्टोर में जाके, क्योंकि वह सैमसंग की जो S10 प्लस है ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सैमसंग के ऑफलाइन स्टोर में गया था एंड उधर जाके मैं सैमसंग की S10 प्लस की जो फुटेज है वो मैंने ली थी। तो वही सैमसंग की गैलेक्सी S10 प्लस की क्विक रिव्यू जो कह सकते हैं आप, या फिर कुछ हाइलाइट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर जो शुरू करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पहले बताता हूँ इसकी कुछ हाइलाइट्स, तो वो है सैमसंग की गैलेक्सी S10 प्लस के डिस्प्ले के बारे में। तो इसका डिस्प्ले जो है सैमसंग ने दिया है 6.4 इंच वे डायनेमिक सुपर एमोलेड टच स्क्रीन। बहुत अच्छी बात है सैमसंग इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है, तो देना ही चाहिए, इतना महंगा फ़ोन है। तो यहाँ पर जो इसका ग्लास की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 6 आपको इसमें देखने को मिलता है और HDR10+ है। वाओ नाइस। तो यार बात करता हूँ इसकी रैम की, और यहाँ पर जो ये दो वेरिएंट की रैम में आता है, वो है 12 GB RAM एंड 8 GB RAM। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ कि इसके साथ आपको कौन सा जो है आपको रोम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो बात करता हूँ इसकी बैटरी की, वो है 4100 बैटरी का mAh, तो अच्छी बात है। बट सैमसंग की वो जो गैलेक्सी M10 एंड M20 है, इनका बैटरी जो है इससे अच्छा है, मतलब इससे mAh ज़्यादा है उसका, वो है 5000 के आसपास। तो भाई यहाँ पर जो है सैमसंग ने यहाँ पर इसका ऐसा क्यों किया है, सैमसंग की M10 में और M20 में दिया है 5000 का mAh का बैटरी और इधर दिए सैमसंग 4100 mAh का बैटरी। तो भाई इसको भी 5000 के आसपास ही देना चाहिए था। तो खैर जो भी सैमसंग ने किया है अच्छा किया है, मतलब अच्छा है। तो यहाँ पर बात करता हूँ नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की मतलब बात करें तो यहाँ पर जो है अच्छा डिस्प्ले है, मतलब सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो एक हिसाब से भाई ये डिस्प्ले मतलब बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी जाके उधर मैं इसका डिस्प्ले मतलब देखा सामने से, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और जो कलर है डिस्प्ले की बहुत एक्यूरेट है, तो अच्छा डिस्प्ले है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके वर्जन की। जैसे कि आप लोगों को पता ही है सैमसंग जो है जो भी डिवाइस लॉन्च कर रहा है अभी उसके साथ एंड्रॉयड पाई के साथ 1 UI दे रहा है। तो सैमसंग इसमें भी सैमसंग जो है लेटेस्ट वर्जन जो है सैमसंग की एंड्रॉयड 9 मतलब पाई विथ 1 UI सैमसंग ने इसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स दिया है। तो आगे भी इसमें सैमसंग 3 या 4 जो है OS अपडेट देगा। तो यार बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, जो कि दिया है सैमसंग एक्जिनोस 9820 जो कि ऑक्टा कोर 8 NM का प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ पर जो है क्वालकॉम की जो एक और मतलब सैमसंग इस सैमसंग गैलेक्सी S10 की एक और जो वेरिएंट है उसमें सैमसंग दिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 जो कि 7 NM का प्रोसेसर है। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों प्रोसेसर की, जो कि जो दो वेरिएंट सैमसंग ने निकाला है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस में। तो यहाँ पर जो है सैमसंग की जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है, जो एक्जिनोस का प्रोसेसर है, भाई सैमसंग की जो एक्जिनोस का प्रोसेसर ये मुझको थोड़ा स्लो लगा, जो कि क्वालकॉम से मतलब जो क्वालकॉम जो है इससे थोड़ा फास्ट है। मतलब जो ऑफलाइन स्टोर में गया था उसमें दो वेरियंट ही था, जो कि एक क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर वाला, एक था 9820 जो एक्जिनोस का प्रोसेसर वाला वेरियंट। तो भाई मैंने दोनों यूज़ किया और दोनों मुझको मतलब दोनों में से थोड़ा जो फास्ट मुझको लगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855। तो भाई गेमिंग में मतलब सैमसंग की जो एक्जिनोस से उसमें मतलब थोड़ा सा भी मुझको ड्रॉप मतलब नहीं आया, नज़र नहीं आया, मतलब फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नज़र नहीं आया। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का जो वेरिएंट था उसमें भी मुझको कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं नज़र आया। दोनों फ़ोन में ही चल रहा था HDR में गेम जो पबजी है वो, तो यहाँ पर जो है मैं दोनों में ही कोई भी फ्रेम ड्रॉप नज़र नहीं आया। बट मुझको थोड़ा सा डिफरेंस लगा सैमसंग की एक्जिनोस और यहाँ पर जो है क्वालकॉम के बीच थोड़ा स्पीड या फिर आप कह सकते हैं जो लैगिंग होता है वो थोड़ा सा मुझको मतलब बेटर लगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 में। तो इस बात को रखते हैं साइड में और बात करते हैं GPU की। GPU जो सैमसंग दिया है इसमें G76 MP12 का GPU।
रिव्यू दिया है इसमें। तो एक बार बात करते हैं और पबजी की परफॉर्मेंस की। भाई पबजी की परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट था, बट मैं जैसे कि आप लोगों को बताया कि इसमें मतलब एक्जिनोस और क्वालकॉम के बीच में थोड़ा सा मुझको डिफरेंस लगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर। तो एक बार बात करता हूँ इसकी जो वेरियंट की, मतलब जो 12 GB रैम और 8 GB रैम के साथ आता है सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus। यहाँ पर जो सैमसंग तो कमाल ही कर रही है सैमसंग की S10 Plus में, क्योंकि इसमें सैमसंग दिए 1 TB का स्टोरेज, जो कि मतलब जो लैपटॉप से जो डेस्कटॉप हम यूज़ करते हैं उनमें भी सैमसंग देता नहीं है। सैमसंग ही नहीं, मतलब कोई भी लैपटॉप हो उनमें भी मतलब कोई कंपनी देता ही नहीं है इतना स्टोरेज के साथ सैमसंग जो निकाला है सैमसंग की गैलेक्सी S10 Plus। तो अच्छी बात है, सैमसंग बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट सैमसंग की जो S10 Plus है इनमें और भी कुछ वेरिएंट है। तो यहाँ पर जो वेरिएंट की बात करें तो 12 GB के साथ सैमसंग दिया है 128 GB का स्टोरेज और 8 GB के रैम के साथ दिया है सैमसंग 512 GB का स्टोरेज। तो यहाँ पर जो है अच्छी बात है, इस प्राइस रेंज में अच्छा मतलब स्टोरेज दिया है, अच्छा रैम दिया है। तो यहाँ पर बात करता हूँ इसकी कैमरा की। तो भाई कैमरा तो मतलब कमाल ही कर दिया सैमसंग यार। तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा आपको पीछे देखने को मिलता है और डुअल कैमरा देखने को मिलता है आपको सामने। पर आपको पीछे जो कैमरा देखने को मिलता है, जो ट्रिपल कैमरा मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलता है 12 MP का कैमरा विथ f/1.5 to 2.4 वाइड लेंस कैमरा। तो भाई यहाँ पर जो है अच्छी बात है, मतलब प्राइस रेंज में सैमसंग इस कैमरे के साथ बहुत सारे फीचर्स दिए है। बट सैमसंग की जो A9 2018 है इसमें भी सैमसंग ट्रिपल कैमरा ही दिया था और वाइड लेंस वो भी था। तो एबर इस प्राइस की माने तो भाई अच्छा, इससे मतलब हटके देना था, ये चाहिए था कुछ। तो एबर इस बात को रखते हैं साइड में और बात करते हैं सामने की कैमरा की। तो एबर जो है 10 MP आपको एक कैमरा देखने को मिलता है जो कि F1.9 है, और एबर जो है एक और कैमरा है जो कि आपको 8 MP F2.2 वाइड लेंस है दोनों ही। तो एवर जो अच्छी बात है सैमसंग मतलब डुअल कैमरा दिए सामने। भाई यही सब था स्पेसिफिकेशन सैमसंग की गैलेक्सी S10 Plus का। भाई ये वीडियो में थोड़ा मतलब क्विक रिव्यू करना चाहा, बट इसका स्पेसिफिकेशन इतना था कि जिसलिए भाई मैं ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसलिए मुझको माफ़ कर देना। तो एक बार बात करते हैं इसकी जो डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के अंदर जो आपको दो कैमरा देखने को मिलता है, मतलब वो मतलब जो सैमसंग जो वॉलपेपर्स दिए डिफ़ॉल्ट उनमें ये जो दो कैमरा है सैमसंग की S10 Plus में, तो ये दो कैमरा मतलब नज़र ही नहीं आता जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं पीछे की कैमरे की। तो भाई पीछे तीन कैमरा आपको देखने को मिलता है और एक जो है फ्लैश लाइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं सिम स्लॉट की। तो हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि जिसमें आप दो मतलब सिम यूज़ कर सकते हैं। आपको राइट साइड में देखने को मिलता है एक पावर ऑन ऑफ बटन, एंड लेफ्ट साइड में आपको एक बिग्सबी बटन मिलता है और वॉल्यूम रॉकर बटन मिलता है दो। तो यहाँ पर जो है बात करता हूँ इसकी स्पीकर की। तो बॉटम में आपको इसका स्पीकर देखने को मिलता है और जो है इसमें USB टाइप सी का पोर्ट है, और आपको मतलब ओवरऑल लुक अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं इस प्राइस रेंज में आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास है सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus या फिर Note 9, तो ये सारा फ़ोन आपके पास है तो आप ये फ़ोन मत लीजिए, क्योंकि सारा फीचर्स आपको सेम ही देखने को मिलता है। ओवरऑल बॉडी का लुक की बात करें तो अगर बॉडी का लुक थोड़ा चेंज है इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की मतलब अंदर फिंगरप्रिंट मिलता है, और यहाँ पर जो है सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus में उसमें आपको पीछे को देखने को मिलता है शायद। तो यहाँ पर जो है बात करता हूँ इस प्राइस रेंज में आपको लेना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि S9 Plus और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, इसका मतलब डिज़ाइन मतलब सेम ही है देखने को Note 9 के साथ और S9 के साथ। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको देखने को क्या मिलता है, इसमें जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले थोड़ा आपको मतलब इसमें इसके ऊपर जो आपको देखने को मिलता है इसका डुअल कैमरा, एंड पीछे Note 9 की तरह ही है देखने में। अगर आप चाहते हैं मतलब लोगों को दिखाने के लिए या फिर मतलब आपकी शौक के लिए ना आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हैं, बेशक लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है उतना बट आप फिर भी लेना चाहते हैं, आपके पास Note 9 है या फिर S9 Plus है, तो मैं बोलूँ कि आपको मत लीजिए, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन यही है कि मत लीजिए, क्योंकि मतलब दोनों फ़ोन सेम ही है, मतलब आपको सिर्फ ओवरऑल लुक थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप क्या करेंगे। और यहाँ पर जो है मेरा रिकमेंडेशन यही था। तो आप का वीडियो बस यही सब था, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, आप समझ सकते हो। तो मतलब शेयर करो और जितना लाइक कर सकते हो लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो भाई ये वीडियो में एम रखता हूँ लाइक का, 100 लाइक्स का यार। आई होप कि आप लोग कर देंगे, आप लोगों पर मेरा पूरा विश्वास है। और जितना मतलब शेयर करते हो शेयर करो, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, और जितना मतलब शेयर करते हो शेयर करो यार। और अगर जो आपको अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे क्वेश्चन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी स्टे कूल, टेक केयर ब्रो।